चैप्टर 10 टाइम एंड सेंस। टाइम समय और टेंस काल दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें संबंध होते हुए भी अंतर है। टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम ये भाषा से स्वतंत्र या मुक्त है। टेंस ये भाषा से स्वतंत्र या मुक्त नहीं है। टाइम से दिनों महीनों वर्षों आदि का बोध होता है, जबकि टेंस से दिनों महीनों वर्षों आदि का बोध नहीं होता है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का अर्थ विश्वव्यापी धारणा होता है। टाइम का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, जबकि टेंस का प्रयोग विशेष अर्थ में वर्ब के फॉर्म का निरूपण करने के लिए किया जाता है। चलिए यहाँ दिए गए उदाहरणों पर हम लोग विचार करते हैं। नंबर 1, वीना गोज टू द पिक्चर्स एवरी संडे। 2, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो। 3, ही हैड नो मनी यस्टरडे। उदाहरण 1 में वीना गोज टू द पिक्चर्स एवरी संडे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है, लेकिन इससे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का बोध होता है। वीना पास्ट टाइम में प्रत्येक रविवार को पिक्चर जाती थी, प्रेजेंट टाइम में प्रत्येक रविवार को जाती है और आशा है कि फ्यूचर टाइम में भी प्रत्येक रविवार को जाएगी। उदाहरण 2 से स्पष्ट होता है कि द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो। प्लेन कल 5 बजे शाम में प्रस्थान करेगा। इस वाक्य में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है, लेकिन इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। उदाहरण 3, ही हैड नो मनी यस्टरडे में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है तथा इससे पास्ट टाइम का बोध होता है। यहाँ दिए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि वर्ब के प्रेजेंट टेंस में रहने पर भी इससे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम का बोध होता है। अतः वर्ब के टेंस तथा इसके प्रयोग को सावधानी से समझने की जरूरत है। सर्वप्रथम एक प्रश्न उठता है कि टेंस क्या है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। टेंस कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। काइंड्स ऑफ टेंस। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। नंबर 2, पास्ट टेंस, भूतकाल। नंबर 3, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस, किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने को, हो रहा है, हो चुका है या हो गया है तथा एक लंबे समय से होता रहा है का बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। जैसे नंबर 1, आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। नंबर 2, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। 3, आई हैव रेड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। 4, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, मैं 1 घंटा से पुस्तक पढ़ता रहा हूँ। 2, पास्ट टेंस, किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो रहा था, हो चुका था या हो गया था तथा एक लंबे समय से होता रहा था का बोध हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम। जैसे नंबर 1, आई रोट अ लेटर, मैं पत्र लिखता था या मैंने पत्र लिखा। 2, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। 3, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका था, मैंने पत्र लिखा था। 4, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज, मैं 2 दिनों से पत्र लिखता रहा था। नंबर 3, फ्यूचर टेंस, किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, हो रहा होगा या होता रहेगा, हो चुका होगा या हो गया होगा तथा एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा का बोध हो तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे नंबर 1, आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। नंबर 2, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिखता रहूंगा। 3, आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुकूंगा। 4, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिखता आ रहा होऊंगा। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर टेंस के भी 4-4 उपभेद होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस,
प्रेजेंट टेंस के चार उपभेद होते हैं। नंबर वन, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। टू, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। थ्री, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। फोर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पूर्णापूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। नंबर वन, सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर एस प्लस MV1/MV5 प्लस ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। रूल वन, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, नियमित या स्वाभाविक कार्य को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, शी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ही टेक्स टी विदाउट शुगर, ही वर्क 8 hours अ डे, आई लिव एट महेंद्रू, श्वेता एंड अंशु आर गर्ल्स, आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। नोट, सामान्यतः टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स समय सूचक क्रिया विशेषण जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, हैबिचुअली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस अ वीक, वंस अ डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ। पेज 168। आदि का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन एडवर्ब्स का प्रयोग होने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट, ही जनरली कम्स हियर एट नाइट, ही यूजुअली कम्स हियर एट नाइट, ही समटाइम्स कम्स हियर एट नाइट, ही ऑफन कम्स हियर एट नाइट, He rarely comes here at night. He seldom comes here at night. He never comes here at night. Rule 1 completed. Rule 2. इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रुथ, नैसर्गिक सत्य, प्रिंसिपल, सिद्धांत तथा परमानेंट एक्टिविटीज, स्थायी कार्य व्यापार को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4, मैन इज mortal. Water boils at 100 degrees Celsius. The Ganges springs from the Himalayas. Rule 2 completed. Rule 3. इस टेंस का प्रयोग possession, अधिकार को express यानी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे This pen belongs to me. I have a car. He owns a big building. Rule 4. इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, मानसिक क्रियाकलाप, इमोशंस तथा फीलिंग्स को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे वी बिलीव इन गॉड, ही अंडरस्टैंड्स माय प्रॉब्लम, आई थिंक शी इज ऑलवेज रॉन्ग, आई नो दैट यू कैन नॉट डू दिस, शी ट्रस्ट्स इन हिम, आई कंसिडर दैट ही इज अ गुड सिंगर। नोट, नोटिस, रिकग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपियर, लुक, seem, want, wish, desire, feel, like, love, hate, hope, refuse, prefer, think, suppose, believe, agree, consider, trust, remember, forget, know, understand, imagine, mean, mind, etc. का प्रयोग mental activity को express करने के लिए किया जाता है। अतः इन सारे verbs का प्रयोग simple present tense में होता है, न कि present continuous tense में। यदि इनमें से कुछ वर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो उनका विशेष अर्थ होता है। रूल 4 कंप्लीटेड। रूल 5, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम, फिक्स्ड प्रोग्राम तथा सुनियोजित योजना, फिक्स्ड प्लान को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। जैसे द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा। ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीना चेन्नई जाएगा। शी लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे, वो अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करेगी। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे। माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो,
मेरा भाई कल लौटेगा। नोट, इस तरह के वाक्यों में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन जनवरी, इन फेब्रुवरी, इन मार्च, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे एटसेट्रा का प्रयोग निश्चित रूप से रहता है। रूल 5 कंप्लीटेड। रूल 6, कंडीशनल सेंटेंस शर्त सूचक वाक्य में सामान्यतः दो क्लॉजेस का प्रयोग होता है। इनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है। सबॉर्डिनेट क्लॉज इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस से स्टार्ट होते हैं, के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है तथा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। इफ यू रन फास्ट सबॉर्डिनेट क्लॉज, यू विल विन द रेस प्रिंसिपल क्लॉज। इफ यू रन फास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू विल विन द रेस सिंपल फ्यूचर टेंस। इफ यू रन फास्ट एस प्लस v1/v5 प्लस ऑब्जेक्ट, यू विल विन द रेस एस प्लस शैल और विल प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि तुम तेज दौड़ोगे तुम रेस में जीत जाओगे। व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, जब वो यहां आएगा वो मेरी मदद करेगा। अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल नॉट सक्सीड, यदि वो कठिन परिश्रम नहीं करेगी वो सफल नहीं हो पाएगी। आई शैल टीच हर इफ शी कम्स, आई शैल टीच हर प्रिंसिपल क्लॉज, इफ शी कम्स सबॉर्डिनेट क्लॉज। आई शैल टीच हर सिंपल फ्यूचर टेंस, इफ शी कम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं उसे पढ़ाऊंगा यदि वो आएगी। रूल 6 कंप्लीटेड। रूल 7, हियर और देयर में से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस। रूल 7 कंप्लीटेड। रूल 8, आंखों देखा हाल का प्रसारण मैच, आयोजन, कार्यक्रम, नाटक, फिल्म, सीरियल आदि रेडियो या टेलीविजन के द्वारा करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, catches it and throws it on the stumps. In this film, my elder brother plays the role of Dhritarashtra. Rule 8 completed. Rule 9, author yani lekhak ke statement kathan ko express abhivyakt karne ke liye simple present tense ka prayog hota hai. Jaise Shakespeare says, the course of true love never runs smooth. Keats says, a thing of beauty is a joy forever. रूल 9 कंप्लीटेड। रूल 10, हिस्ट्री इतिहास के पास्ट इवेंट्स बीते हुए घटनाओं को जीवंत या ताजा बनाकर दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे बाबर क्रॉसेस द प्लेन्स, इब्राहिम ऑपोजेस हिम विद अ लार्ज आर्मी, एट लास्ट राम किल्स रावण। रूल 10 कंप्लीटेड। 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर एस प्लस is, are or am plus MV4 plus object. Use of present continuous tense. Rule 1, present continuous tense ka prayog aise actions yani karyon ke liye hota hai jo bolne ke waqt jari continued ho. An action going on at the time of speaking, jaise Mukesh is coming now, page 169. They are playing, the girls are playing kho-kho, Binay is playing cricket, she is writing her name on the blackboard, your teacher is teaching chapter 5. Note, now, at present, at the moment, this morning, currently, this evening, आदि समय सूचक शब्दों का प्रयोग present continuous tense में होता है। जैसे Mr. Jha is teaching mathematics at present, he is reading a novel now, she is knitting a sweater at the moment, they are washing the plates this morning. Rule 1 completed. रूल 2, इस टेंस का प्रयोग वैसे अस्थाई कार्य टेम्पररी एक्शन के लिए होता है जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा है लेकिन उपयुक्त समय के आसपास या इन दिनों वो कार्य जारी है। जैसे आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, ही इज रीडिंग द महाभारत, शी इज स्टडिंग फिजिक्स दीज डेज,
यहाँ दिए गए वाक्यों में क्रिया का संपादन बोलने के वक्त नहीं हो रहा है, बल्कि उपयुक्त समय के आसपास या आजकल हो रहा है। रूल 3, इस टेंस का प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर, निकट भविष्य के फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लान, निश्चित कार्यक्रम या योजना के लिए होता है। जैसे, ही इज गोइंग टू चेन्नई टुनाइट, शी इज गोइंग होम टुमारो, आई एम लीविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ, माई ब्रदर इन लॉ इज कमिंग टुमारो, शी इज सिंगिंग दिस इवनिंग। नोट, इस तरह के वाक्यों से फ्यूचर टाइम का बोध होता है तथा एडवर्ब ऑफ टाइम टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, 5 o'clock, 5 AM, 6 PM एटसेट्रा का प्रयोग निश्चित रूप से रहता है। रूल 3 कम्प्लीटेड। रूल 4, इस टेंस का प्रयोग इंटेंशन यानी इरादा और लाइकलीहुड संभावना का बोध कराने के लिए होता है तथा इससे फ्यूचर टाइम के भाव का बोध होता है। जैसे, आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, इंटेंशन, ही इज गोइंग टू डाई, लाइकलीहुड। रूल 4 कम्प्लीटेड। रूल 5, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकग्नाइज, टेस्ट, अपियर, सीम, लुक, लव, हेट, अबोर, डिस्पाइज, डिटेस्ट, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डिनाय, प्रिफर, रिगार्ड, सेटिस्फाई, वॉन्ट, विश, डिजायर, इंटेंड, प्लीज, डिसप्लीज, मीन, सपोज, थिंक, इमेजिन, प्रीसपोज, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमेम्बर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट, ओन, पजेस, have, belong to, keep, consist of, contain, comprise, include, involve, equal, cost, deserve, depend, fit, owe, lack, require, resemble, need, dare, sound, etc. जैसे, she is knowing him very well, wrong. She knows him very well, right. He is understanding it, wrong. He understands it, right. I am feeling that you are right, wrong. I feel that you are right, right. She is owning a scooter, wrong. She owns a scooter, right. She is having a handsome husband, wrong. She has a handsome husband, right. The pot is containing water, wrong. The pot contains water, right. In verbs ka prayog simple present tense mein hota hai. विशेष अर्थ में इनमें से कुछ वर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। इन प्रयोगों का सावधानी से अध्ययन करें। नंबर 1, ए, फील का प्रयोग महसूस करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है। जैसे, नाउ ही फील्स दैट व्हाई ही डिड नॉट गेट 80% मार्क्स। अब वो महसूस करता है कि वो क्यों नहीं 80% अंक प्राप्त किया। आई फील दैट ही विल बी अ ग्रेट मैन। मैं महसूस करता हूं कि वो एक महान व्यक्ति बनेगा। बी, फील का प्रयोग थिंक, सोचना या विचार करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे, आई फील यू आर राइट। सी, फील के बाद एडजेक्टिव्स, एंग्री, प्लीज्ड, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड, टेंस, रिलैक्स्ड, नर्वस, कॉन्फिडेंट एटसेट्रा का प्रयोग सब्जेक्ट के इमोशंस, फिजिकल और मेंटल कंडीशन को इंडिकेट यानी इंगित, सांकेतित या निर्दिष्ट करने के लिए हो तो इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी किया जा सकता है। जैसे, क्वेश्चन, हाउ डू यू फील? आंसर, आई फील बेटर। क्वेश्चन, हाउ आर यू फीलिंग? ए, आई एम फीलिंग बेटर। डी, फील का प्रयोग टच यानी स्पर्श और एग्जामिन, जांच करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जा सकता है। जैसे, द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स। ई, फील फॉर का प्रयोग ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, स्पर्श करते हुए किसी चीज का पता लगाने की कोशिश करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे, शी वॉज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क। नंबर 2, सी का प्रयोग सामान्यतः देखना के अर्थ में होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, न कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे, वी सी विद आर आईज। करेक्ट। आई सी हर सिंगिंग इन द बेडरूम। करेक्ट। वी आर सीइंग विद आर आईज। रॉन्ग। आई एम सीइंग हर सिंगिंग इन द बेडरूम। रॉन्ग। किंतु सी का प्रयोग मीट बाय अपॉइंटमेंट
मिलना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, जैसे ही इज सीइंग मी टूडे, वो मुझसे आज मिल रहा है। हिज एल्डर ब्रदर इज सीइंग द गवर्नर टुमारो, उसका बड़ा भाई कल राज्यपाल से मिल रहा है। 3. हियर का प्रयोग सामान्यतः सुनना के अर्थ में होता है, इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, जैसे आई हियर शी इज लीविंग फॉर पटना, राइट। आई एम हियरिंग शी इज लीविंग फॉर पटना, रॉन्ग। आई हियर म्यूजिक, राइट। आई एम हियरिंग म्यूजिक, रॉन्ग। लेकिन हियर का प्रयोग सुनवाई करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, जैसे द जज इज हियरिंग द केस, न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। पेज 170। 4. थिंक का प्रयोग विचार रखना के अर्थ में सामान्यतः होता है, इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, जैसे आई थिंक ही इज राइट, ही थिंक्स ही हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन। लेकिन थिंक का प्रयोग संभावित चीज पर विचार करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, जैसे शी इज थिंकिंग टू गो टू हर विलेज, वो अपने गांव जाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। 5. अपियर का प्रयोग प्रतीत होना या मालूम पड़ना के अर्थ में सामान्यतः होता है, इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, जैसे द सम अपियर्स टू बी इजी, हिसाब आसान प्रतीत या मालूम होता है, राइट। इट अपियर्स टू हिम दैट आई शैल डू दिस, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इसे कर लूंगा, राइट। द सम इज अपियरिंग टू बी इजी, रॉन्ग। इट इज अपियरिंग टू हिम दैट आई शैल डू दिस, रॉन्ग। किंतु अपियर का प्रयोग प्रकट होना या उपस्थित होना, टू कम बिफोर द पब्लिक के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, जैसे द मून इज अपियरिंग इन द स्काई, चांद आकाश में प्रकट हो रहा है। द मेन एक्टर इज अपियरिंग बिफोर द स्पेक्टेटर्स, प्रधान अभिनेता दर्शकों के सामने प्रकट या उपस्थित हो रहे हैं। ध्यान दें, अपियर का प्रयोग प्रकाशित होना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है, जैसे ही इज अपियरिंग हिज न्यू बुक, वे अपनी नई पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं। व्हेन इज हिज न्यू बुक अपियरिंग, उनकी नई पुस्तक कब प्रकाशित हो रही है। 6. स्मेल का प्रयोग सामान्यतः महकना के अर्थ में होता है, इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, न कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जैसे द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, राइट। द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, रॉन्ग। लेकिन स्मेल का प्रयोग स्निफ एट, नाक से सशब्द हवा खींचना या नाक पर सटाकर सूंघना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, जैसे ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, वो नाक पर सटाकर फूल सूंघ रहा है। वो नाक से सशब्द हवा से खींचकर फूल सूंघ रहा है। 7. टेस्ट का प्रयोग सामान्यतः स्वाद देना के अर्थ में होता है, इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, न कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जैसे दिस टी टेस्ट स्वीट, राइट। दिस टी इज टेस्टिंग स्वीट, रॉन्ग। दिस कॉफी टेस्ट बिटर, राइट। दिस कॉफी इज टेस्टिंग बिटर, रॉन्ग। लेकिन टेस्ट का प्रयोग टू टेस्ट द फ्लेवर ऑफ, स्वाद की जांच करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, जैसे ही इज टेस्टिंग द मिल्क पुडिंग, वो दूध की खीर के स्वाद की जांच कर रहा है। 8. एक्सपेक्ट का प्रयोग प्रतीक्षा करना, अवेट और वेट फॉर के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, जैसे शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी इन सेप्टेम्बर, ही इज एक्सपेक्टिंग हिज लव लेटर। 9. लुक का प्रयोग देखना, निगाह डालना के अर्थ में सामान्यतः सिंपल टेंस में होता है, जैसे दैट गर्ल लुक्स ब्यूटिफुल। लेकिन लुक फॉर, तलाश करना, लुक इन टू, ध्यान से समझना, लुक ऑन, क्षण भर के लिए देखना आदि का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ही इज लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ। रूल 5 कंप्लीटेड। रूल 6। इस टेंस का प्रयोग कॉन्टिन्यूड इंक्रीज और डिक्रीज, लगातार वृद्धि या ह्रास का बोध कराने के लिए होता है, जैसे हर हेल्थ इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, द नंबर ऑफ ऑडियंस इज इंक्रीजिंग। रूल 6 कंप्लीटेड। 3. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर एस प्लस हैज और हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल 1. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस यानी कार्यों के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ है, जैसे शी हैज रिटन अ लेटर, आई हैव जस्ट बॉट अ पेन, ही हैज गॉन टू पटना मार्केट।
रूल वन कंप्लीटेड. रूल टू, इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी है, अर्थात जिसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में है. जैसे ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है, अर्थात खून बह रहा है. शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, वो अपने कार्य समाप्त कर ली है, अर्थात अब वो कार्य से मुक्त है. माई डॉटर हैज ईटन ऑल द एपल्स, मेरी पुत्री सब सेब खा गई है, अर्थात वो एक भी दूसरे के लिए नहीं छोड़ी है. इन वाक्यों से स्पष्ट है कि कार्य पास्ट में हुए हैं, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में जारी है. रूल टू कंप्लीटेड. रूल थ्री, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अब भी जारी हैं. ऐसे एक्शंस के साथ फॉर और सिंस का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है. जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999. मैं 1999 ईस्वी से इस घर में रह रहा हूं, अर्थात मैं अभी भी इस घर में रह रहा हूं. ही हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years. वो 5 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रहा है, अर्थात वो अभी भी इस स्कूल में पढ़ा रहा है. शी हैज बिन इल सिंस फ्राइडे. वो शुक्रवार से बीमार है, अर्थात वो अभी भी बीमार है. रूल थ्री कंप्लीटेड. रूल फोर, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में समाप्त हुआ है, लेकिन उसका समय निश्चित से रूप से अज्ञात है. जैसे शी हैज गॉन टू अमेरिका. हैव यू रेड द अरेबियन नाइट. रूल फोर कंप्लीटेड. रूल फाइव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, अगो, एटसेट्रा का प्रयोग नहीं होता है. जैसे I have seen him last year. Wrong. I saw him last year. Right. He has arrived last week. Wrong. He arrived last week. Right. She has come the other day. Wrong. She came the other day. Right. Page 171. Rule 6. Present perfect tense के साथ नीचे दिए गए adverbs और adverbial phrases का प्रयोग होता है. जैसे adverb number 1 ever, meaning कभी या अब तक किसी समय. नंबर टू नेवर, कभी नहीं या अब तक किसी समय नहीं. थ्री ऑलवेज, हमेशा या सदा. फोर ओकेजनली, कभी कभी. फाइव ऑफन, प्राय या अक्सर. सिक्स सेवरल टाइम्स, अनेक बार. सेवन ऑलरेडी, पहले से ही या पहले ही. एट येट, अब तक या अभी तक बोलने के समय तक. 9. जस्ट, तुरंत. 10. लेटली, हाल में. 11. रिसेंटली, हाल में. 12. सो फार, अब तक या जहां तक. 13. अप टू नाउ, अभी तक. 14. अप टू द प्रेजेंट, वर्तमान समय तक. 15. सिंस, से. 16. फॉर, से. 17. ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, अंतिम कुछ सप्ताहों के दौरान. 18. ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, अंतिम कुछ वर्षों या सालों के दरमियान. ही हैज कम रिसेंटली, राइट. शी हैज नॉट गॉन येट, राइट. ही हैज वर्कड हियर फॉर 5 hours, राइट. द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, राइट. मुकेश हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ, राइट. ही केम रिसेंटली, रॉन्ग. शी डिड नॉट गो येट, रॉन्ग. ही वर्कड हियर फॉर 5 hours, रॉन्ग. द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, रॉन्ग. मुकेश कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ, रॉन्ग. इन एडवर्ब में से कुछ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में भी होता है. नोट, सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है. अतः हम लोग सिंस और फॉर के प्रयोग पर विचार करते हैं. सभी परीक्षाओं के लिए फॉर या सिंस महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं. यूज ऑफ फॉर एंड सिंस. ए, यूज ऑफ फॉर. फॉर इज यूज बिफोर इनडेफिनेट और अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित अवधि. फॉर इज यूज बिफोर. रूल वन, न्यूमरल एडजेक्टिव्स प्लस मिनट्स. जैसे फॉर 30 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स, फॉर मेनी मिनट्स, फॉर सेवरल मिनट्स. रूल टू, न्यूमरल एडजेक्टिव्स प्लस आर्स. जैसे फॉर 2 hours,
for many hours, for 3 hours, for several hours. Rule 3, numeral adjectives plus days. For 5 days, for many days. For 2 days, for several days. Rule 4, numeral adjective plus weeks, jaise for 2 weeks, for many weeks. For 3 weeks, for several weeks. Rule 5, numeral adjectives plus months, jaise for 2 months, for many months. For 6 months, for several months. Rule 6, numeral adjectives plus years, jaise for 3 years, for many years. For 5 years, for several years. Rule 7, numeral adjectives plus decades, for 3 decades, for many decades. For 4 decades, for several decades. Rule 8, numeral adjectives plus centuries, for 2 centuries, for many centuries. For 5 centuries, for several centuries. Rule 9, A plus minute, jaise for a minute. Rule 10, an plus hour, jaise for an hour. Rule 11, A plus day, jaise for a day. Rule 12, A plus week, jaise for a week. Rule 13, A plus month, jaise for a month. Rule 14, A plus year, jaise for a year. Rule 15, A plus decade, jaise for a decade. Rule 6, A plus century, jaise for a century. Rule 17, a long period, a long time, ever, a while, or a moment, jaise for a long period, for a while, for a long time, for a moment, forever. Rule 18, the last or past plus numeral adjective plus minute or hour, day, week, month, year, decade, century or centuries. Jaise, for the last 5 hours, for the past 4 days, for the last 6 years, for the past 6 years. Rule 19, seasons. Jaise, for 2 seasons. Rule 20, minutes, hours, days, weeks, months, years, decades, centuries. Jaise, for hours, for years, for months, for weeks. Note, first, period of time plus ago का प्रयोग होने पर period of time के पहले since का प्रयोग होता है, for का नहीं. जैसे, his brother has ill for 5 days. Correct. His brother has been ill since 5 days. Wrong. His brother has been ill for 5 days ago. Wrong. His brother has been ill since 5 days ago. Right. 5 days ago, period of time नहीं है. बल्कि ये a moment of time है, इसलिए इसके पहले since का प्रयोग होता है. Second, for का प्रयोग all plus period of time के पहले नहीं होता है. जैसे, for all day, wrong. For all months, wrong. It has been raining all day, right. It has been raining for all day, wrong. Page 172. Third, for का सामान्य अर्थ तक के लिए होता है. इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में होता है. जैसे, विनय वेटेड फॉर मी फॉर 3 आवर्स, सिंपल पास्ट टेंस. शी गोज देयर फॉर 2 आवर्स एवरी डे, सिंपल प्रेजेंट टेंस. माई यंग ब्रदर विल बी इन मुंबई फॉर द नेक्स्ट 5 डेज, सिंपल फ्यूचर टेंस. बी, यूजेस ऑफ सिंस. Since is used before definite period of time or point of time, nishchit samay bindu. Since is used before, rule 1, name of the days, jaise, since Monday, since Tuesday. Rule 2, name of the months, jaise, since January, since February. Rule 3, name of the years, jaise, since 1980, since 1990. Rule 4, name of the parts of the day, jaise, since morning, since dawn. Since noon, since daybreak. Since afternoon, since sunrise. Since evening, since sunset. Since night, since dusk. Since midnight, since twilight. Rule 5, o'clock, a.m., p.m., jaise, since 5 o'clock, since 6 a.m., since 7 p.m., since 6:30 a.m. Rule 6, yesterday, last night, last week,
और लास्ट मंथ और लास्ट ईयर, जैसे सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर. रूल 7, नेम ऑफ द सीजन्स, ऋतुओं, जैसे सिंस स्प्रिंग, सिंस विंटर, सिंस ऑटम, सिंस समर. रूल 8, नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, पर्वों, जैसे सिंस दीपावली, सिंस क्रिसमस, सिंस ईद, सिंस ईस्टर. रूल 9, नेम ऑफ इवेंट्स, घटनाओं, जैसे सिंस हिज अराइवल, सिंस हिज डिपार्चर, सिंस हिज बर्थ, सिंस हिज मैरिज, सिंस हिज डेथ, सिंस देयर क्वारल. रूल 10, स्टेज ऑफ वन्स लाइफ, जैसे सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस योर यूथ. रूल 11, लास्ट प्लस मंडे और ट्यूजडे एटसेट्रा, जनवरी और फेब्रुवरी एटसेट्रा, स्प्रिंग और विंटर एटसेट्रा, और अदर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे सिंस लास्ट मंडे, सिंस मंडे लास्ट, सिंस लास्ट मार्च, सिंस मार्च लास्ट, सिंस लास्ट स्प्रिंग, सिंस स्प्रिंग लास्ट, सिंस लास्ट मिडनाइट, सिंस मिडनाइट लास्ट. दीज आर ऑल करेक्ट. नोट नंबर 1, द लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले फॉर का प्रयोग होता है, क्योंकि इससे पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है, न कि पॉइंट ऑफ टाइम का. ए, सिंस लास्ट वीक का अर्थ अ पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट 7 डेज अगो होता है. बी, जबकि फॉर द लास्ट वीक का अर्थ द पीरियड ऑफ 7 डेज जस्ट कंप्लीटेड होता है. फोर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर / सिंस प्लस टाइम. यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. रूल 1, इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस यानी कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय में जारी है, जैसे शी हैज बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे, गुड़िया हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर, आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 ईयर्स. रूल 2, इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस यानी कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक कंटिन्यूड यानी जारी रहा, और इस समय तत्काल बंद है या समाप्त हो गया है, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी कायम है, जैसे शी हैज बीन क्राइंग, वाई हैव योर क्लोथ्स बीन सो वेट, आई हैव बीन वॉटरिंग द गार्डन्स.